एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही घनी और मोटी आइब्रो की थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। मैं इससे पहले मैंने अपनी आइब्रो की थ्रेडिंग भी अपलोड की, हेयर कट की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ, तो वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। मेरे लुक पर मजे है, कल मेरा फास्टिंग था थोड़ा सा डल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। और हाँ, आप लोग को अगर मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉगिंग वीडियो चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ब्लॉगिंग वीडियो देखने को मिल जाए। तो आपको थ्रेडिंग ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छे तक हद तक समझ में आ जाएगी, बहुत सारी थ्रेडिंग की भी वीडियो डाली हुई है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ चेक कर लेना, और भी थ्रेडिंग की वीडियो देखनी हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पूछते हो कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस चलिए थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थ्रेडिंग बनाने से पहले आप इनको पाउडर ज़रूर लगाइएगा, उससे हेयर निकालने में भी आसानी होती है और कस्टमर को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आप चाहो तो जो कूलिंग वाला पाउडर होता है वो ज़्यादा यूज़ कीजिए, उससे पेन कम होता है, दर्द कम होता है कस्टमर को। तो इस तरीके से आप ऊपर से पहले हल्के हल्के हाथों से इनको अच्छी सी शेप दे दीजिए। ओके, तो इस तरीके से अच्छी सी पहले शेप देंगे ऊपर से, बिल्कुल भी वीडियो फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आराम आराम से एक एक हेयर लेते हुए अच्छे से ऊपर के हेयर्स को शेप दे दीजिए। ये मेरी स्टूडेंट थ्रेडिंग कर रही हैं जो सीखती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ऊपर से अच्छे से शेप देने के बाद से नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक एक हेयर को धागे में लेते हैं और हल्के हाथों से खींचना है, स्किन पे थोड़ा सा भी दबाव नहीं देना है गाइस, क्योंकि दबाव देने से क्या होगा, कस्टमर को पेन ज़्यादा फील होगा, स्किन पे रगड़ेगा, स्किन पे कट लग सकती है और थ्रेडिंग भी बिगड़ सकती है। तो ज़्यादा दबाव मत दीजिए, हल्के हाथों से निकालिए, इससे कस्टमर को भी काफ़ी रिलैक्स फील होगा, पेन भी कम होगा और ईजिली आप हेयर को रिमूव भी कर पाओगे। तो इस तरीके से एक एक हेयर को अच्छी सी लाइन बनाते हुए देखिए, कितनी स्मूथ सी एक लाइन बननी चाहिए, इधर से स्ट्रेट लाइन, फिर बीच में से ऊपर, बीच में एकदम आईबॉल जो होता है उसके ऊपर में हल्का सा उठाव देना है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ लाइन बनाते हुए बनाना है। ये अभी सीख रही हैं तो मतलब इनसे थोड़ा सा पेन ज़्यादा हो रहा है कस्टमर को, तो आप अगर ऐसे मतलब सीखना है तो पहले आप आईज पे बर्फ़ से आईब्रो को रगड़ दीजिए, उससे कस्टमर को पेन कम होगा। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ नहीं लगाया था क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आई तो बर्फ़ जमी ही नहीं, और बर्फ़ ना हो तो ठंडा पाउडर यूज़ कीजिएगा, जैसे कि कूल वाला पाउडर आता है मिंट वाला, वो ज़्यादा यूज कीजिए तो उससे भी पेन कम होगा। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सारे हेयर को रिमूव करना है। ये देखिए यहाँ से भी, तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरा आईब्रो को अच्छी से शेप देनी है। आप देख सकते हो धागा जैसे ये घुमा रही है वैसे ही आप लोग को भी घुमाना है, फ्रंट से तिरछा लेके जाओ, बीच में स्ट्रेट रखो और साइड में तिरछा रखना है। ऐसे मैंने धागे को कैसे कैसे घुमाना चाहिए वो भी बताया हुआ है, तो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कर लेना, एडिटिंग करते टाइम ही बारिश स्टार्ट हो गई तो चलते हैं नीचे, वहीं पर एडिटिंग कर लूँगी, मतलब आवाज़ एडिट कर रही हूँ तब तक बारिश शुरू हो गई, फ़ोन पर गिरेगा तो मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा मोबाइल, तो मैं इधर आ गई, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो अभी इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरी आईब्रो को अच्छी सी शेप देते हुए रिमूव करना है हेयर को, तो लगभग हमारा एक आईब्रो कंप्लीट होने वाला है, देख सकते हो। अभी चलेंगे दूसरी आईब्रो के पास, इधर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये देख लो यहाँ पे धागा किस तरीके से घुमाया हुआ है, आप धागे का डायरेक्शन अच्छे से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे धागा घुमाते हैं, कैसे पकड़ना चाहिए सब कुछ।
ओके। तो ये लगभग एक थ्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हेयर नहीं निकालने हैं क्योंकि आईब्रो की लेंथ कम हो जाएगी। बस एक्स्ट्रा जो हेयर है उसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अभी चलिए ऊपर से भी चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बना है या नहीं। तो ये ठीक है, इनको चौड़ी ही आईब्रो चाहिए थी तो इस तरीके से बना दिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं। देख सकते हो दोनों आईब्रो में डिफरेंट कितना ज़्यादा ग्रोथ था इनके आईब्रो का। तो दूसरी साइड भी पहले हम लोग ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। ऊपर के हेयर को अच्छे से रिमूव करेंगे एक एक बाल को पकड़ते हुए। तो इस तरीके से अच्छे से रिमूव करना है हेयर को। तो चलिए ये वाली भी थ्रेडिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से दिखाते हैं आपको। सीखने में थोड़ी सी तो दिक्कत आती ही है। बहुत पेन हो रहा था इनको क्योंकि इनके हेयर भी बहुत हार्ड हैं। तो जिनके हार्ड हेयर होते हैं उनको थोड़ा पेन भी ज़्यादा होता है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है वैसे। और हम इसे मतलब कमेंट में किसी ने पूछा था कि मैम ब्लैक हेयर के लिए कौन सा, ब्लैक हेयर पे क्या कोई अदर हेयर कलर आएगा या नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि बालों में पहले से मेहंदी और कलर ना हो। आप नेचुरल ब्लैक हेयर हैं उस पे आप कलर करवा रहे हो तो आपको अच्छे से कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा आप नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज़्यादा रख लीजिएगा उस कलर को अपने बालों में। तो इधर की भी थ्रेडिंग लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो फाइनल लुक क्या था वो भी दिखा देती हूँ मैं अभी आप लोग को। तो ये लगभग इधर की भी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। थ्रेडिंग पूरी करने के बाद से जो आपका एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप सीजर से कट कर लीजिए। तो ये हमारा कट हो गया। आप देख सकते हो उस वाली थ्रेडिंग से इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर दिया। तो अच्छा शेप बना है, अच्छा लग रहा है थ्रेडिंग। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मतलब अच्छे से समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो, इनका थ्रेडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना कर लीजिएगा और मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीति भाई चैनल पर भी जरूर जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए।